शनिवार को एग्जिट पोल आया और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इससे पहले ही दावा कर दिया कि राज्य में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी दोहराया कि पार्टी के विधायकों से राय लेने के बाद आलाकमान मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर फैसला करेगा। अब हुड्डा ने हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न होने और कई एग्जिट पोल में कांग्रेस की जीत की संभावना जताए जाने के बाद ये टिप्पणी की और उन्होंने रोहतक में अपने घर में संवाददाताओं से कहा कि हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं। अब सवाल ये है कि मुख्यमंत्री के चयन को लेकर हुड्डा क्या सोचते हैं। जिस तरीके से कुमारी सैलजा का नाम लगातार आगे चल रहा है, उस पर क्या उन्होंने कुछ टिप्पणी दी। तो कई एग्जिट पोल में कांग्रेस की जीत पर हुड्डा ने जहां ये कहा कि हमारे आकलन के मुताबिक मैं ये कह रहा हूं कि हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, मैं पहले से ही ये कह रहा हूं कि लोगों ने कांग्रेस की सरकार बनाने का फैसला लिया है, ये पूछे जाने पर कि क्या कांग्रेस की सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री आपको बनाया जाएगा या फिर किसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तो हुड्डा ने दोहराया कि पार्टी में एक निर्धारित प्रक्रिया है और इसके मुताबिक पार्टी विधायकों की राय ली जाएगी, इसके बाद आलाकमान फैसला करेगा। अब फिर पत्रकारों ने उनसे ये भी पूछ दिया कि कुमारी सैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, आप क्या कहेंगे इस पर। तो उन्होंने जवाब में कहा कि राजनीति ऐसी चीज है कि कोई भी आकांक्षा रख सकता है, लेकिन एक प्रक्रिया है कि विधायक अपनी राय देंगे और कुमारी सैलजा हमारी सीनियर लीडर हैं, इसके बाद आलाकमान फैसला करेगा। वहीं बीजेपी के दोबारा सत्ता में आने के पार्टी नेताओं के दावे पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी इसके अलावा और कह भी क्या सकती है, नतीजे आने के बाद उन्हें पता चल जाएगा कि जमीन उनकी छिन चुकी है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी सिर्फ कांग्रेस के बारे में बात करती रही, उसने पिछले 10 सालों के अपने कार्यों का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने नहीं रखा क्योंकि उसके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं। अब आपको जरा सर्वे के बारे में भी बता दें तो जितने भी एग्जिट पोल्स हैं उसमें कांग्रेस को ही बढ़त दिखाया गया है। मैट्रिक्स के सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को 90 में से 55 से 62 सीटें मिल सकती हैं और वही 10 सालों तक सत्ता में रही बीजेपी को 18 से 24 सीटें ही मिलती हुई दिखाई दे रही है। पिछले चुनाव में किंग मेकर रहे जेजेपी, जिसे 10 सीटें मिली थी, उसे 0 से 3 सीटें बस दिखाई जा रही हैं और INLD को भी 3 से 6 और अन्य को 2 से 5 सीटें मिल सकती हैं। भास्कर ने जो सर्वे किया है उसके मुताबिक तो कांग्रेस को 44 से 54, बीजेपी को 19 से 29, INLD को 1 से 5, जेजेपी को सिर्फ 0 से 1 और बाकी को 4 से 10 सीटें मिल सकती हैं। CNN 24 के एग्जिट पोल में राज्य में इंडिया गठबंधन को 59 सीटें और NDA गठबंधन को सिर्फ 21 सीटें मिलने का अनुमान है। साथ ही जो निर्दलीय हैं, अन्य पार्टी हैं, उन्हें 10 सीटें मिलने का अनुमान है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे, लेकिन हुड्डा ने जो अपना रुख दिखाया है उससे लग रहा है कि अब वो अपनी दावेदारी को उतनी मजबूती से पेश नहीं कर रहे हैं और कुमारी सैलजा अगर मुख्यमंत्री बनाई जाती हैं तो क्या हुड्डा विरोध नहीं करेंगे, ये देखना बहुत अहम होगा और ये सब कुछ निर्भर करेगा कि कांग्रेस को कितनी सीटें आती हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।